हेलो फ्रेंड, जय माता की। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आप जस्ट देख ही रहे हैं, आम मैंने कट कर लिए हैं। आज मैं बना रही हूँ आम का अचार। तो ऐसे साफ साफ मैंगो ले लिए थे और वो धो के साफ कर लिए थे, और फिर मैंने इनको कट पीस में ऐसे से काट दिया है। कुछ आपको शायद पके हुए भी दिख रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं, तो खट्टा मीठा ही खाते हैं हम अचार वैसे भी। और बड़ी मशक्कत का काम है इसको काटने का। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखिए मैं आके क्या करती हूँ। और एक और चीज़, और मैं ये गुठलियाँ भी नहीं फेंकने वाली इसकी, मैं इनको धो के फिर से साफ कर लूँगी। तो इसको मैं इसी में डालूंगी, कई लोग फेंक देते हैं, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगी। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना लास्ट में, बिल्कुल मतलब इतना टेस्टी लगती है ये गुठलियाँ ना खाने में। हमारे को तो बड़ी अच्छी लगती है, पता नहीं किसी को कैसी लगती है। मतलब सबसे लास्ट में रखना पड़ता है इनको, बीच में, जैसे ताकि बीच में ना आए, बीच में ये चल पड़ेंगे और लास्ट में ये खाएंगे। बस बहुत टेस्टी होता है इसका भी अचार। तो आगे और करती हूँ इसका फ्रेंड्स, तो प्रोसेस हमने आम जो है कल कट कर दिए थे, और हम इसको डालेंगे इसमें बर्तन में। बड़ा बर्तन लेना है, मैंने प्रात धो के रख ली थी। और देखिए, और अब हमें इसमें डालना है नमक और हल्दी। तो फ्रेंड्स, ये 5 किलो आम थे, तो ये कट करके अच्छी तरह से हमने इनको रख लिया था। और ये हमने 1-2 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी डालनी है, और बाकी हमने थोड़ा सा नमक डालना है ताकि इसमें जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। और अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके लिए लकड़ी का स्पून भी आता है, या फिर कोई भी करछी ले सकते हैं आप। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसको 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने छत के ऊपर आ गई हूँ और आज थोड़ी थोड़ी धूप है, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इसका सारा पानी जो है निकल जाएगा। तो ये जो चादर है ये बिल्कुल साफ है, और तो मैं इसके ऊपर इसको गिरा दूंगी ताकि इसका पानी जो है सूख जाए, और इसको अच्छे से फैला दूंगी ऐसे। फिर ये हवा से भी सूख जाएंगे इसका पानी, और जो है मतलब सूख जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा जैसे पानी है ना। भी देखो, इसमें जो नमक है वो पानी छोड़ता है, तो नमक हल्दी तो बाद में डालेंगे इसका अचार हम। अभी सूखने देते हैं थोड़ा सा, आज की धूप लगाऊंगी थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा नहीं, तो इसको सूखने देते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ का आसपास का व्यू दिखा देती हूँ आपको, और अचार बना के भी दिखा दूंगी अभी। तो इसके लिए मुझे मसाला भी तैयार करना होगा, और ये देखिए कहीं धूप है और कहीं छांव है, और गर्मी भी वैसी हो रही है। और ऐसे ही मेरी वीडियोस पर बने रहिए, और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दिखाते रहेंगे। और थैंक यू सो मच आप सभी का मेरा साथ देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे यहाँ पर आम सूख चुके थे, तो इसमें धूप अच्छे से लग गई थी, तो मैंने इसको डब्बे में डाल दिया है। आप कोई भी डब्बा यूज़ कर सकते हैं, जार। और मैंने मसाला इसका कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे ये है सौंफ जो मैंने थोड़ी सी भुनी थी, और मैंने इसको पीस लिया था कुंडी में, तो हम ये डाल देंगे। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। और डालनी है इसमें कलौंजी, तो कलौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप इसको जितना अपने स्वाद अनुसार टेस्ट के डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच बड़े डाल दिए हैं, और साथ में डालेंगे हम इसमें मेथी। तो मेथी भून के भी डाल सकते हैं और कच्ची भी, तो मेरे पास कच्ची ये पीसी हुई थी पाउडर पहले से ही, तो वो मैंने डाल दिया है। और इसमें अब डालेंगे हम साथ में लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा इसका। और साथ में डालेंगे हम हल्दी, तो हल्दी भी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती इसमें, तो कम ही डालेंगे हम, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, जैसे 2 बड़े चम्मच डाल देंगे हम इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नमक, तो नमक हम
ऐसे ही डाल देती हूँ मैं, नमक थोड़ा तेज ही, बस काफी हो जाएगा इतना। ये डाल दिया और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें तेल। तेल मैंने ले रखा है पीमार्का का, तो ये पीमार्का का तेल अच्छा होता है। मैंने पिछली बार दूसरा तेल डाला था तो उससे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आया था, तो मैंने बाद में दूसरा तेल यही वाला मतलब पीमार्का डाला था, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो मैं ज़्यादा भी तेल नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा ही डालूंगी। पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और इसको अच्छे से मिलाना है फिर, और जब इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास गुड़ अभी कम है तो मैंने थोड़ा सा ही गुड़ डाला है अभी, बाकी मैं कल डालूंगी। तो हम खट्टा मीठा अचार खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स भी कर लूंगी इसमें। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं भी इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है, और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी होगा। तो इसमें एक चीज़ मैंने और नहीं डाली है अभी, व्हाइट सरसों मिलती है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो व्हाइट सरसों मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, तो मुझे अभी नहीं मिल रही है, तो मैं बाद में डाल दूंगी उसको। और इसको 5-7 धूप लगा लेंगे, उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। और इस तरह से बन गया हमारा अचार, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। और तो फ्रेंड्स, ये हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है। तो मैं इस तरह से अचार डालती हूँ, और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और ये हमारे खट्टा मीठा अचार बनके बिल्कुल तैयार है, और इसका टेस्ट ना इतना अच्छा होगा ना, ये बहुत टेस्टी होगा खाने के लिए। और थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी हमारी छोटी सी रेसिपी अचार की, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।